उस सम्मान के अवसर पर हमारी इच्छा थी सभी पूर्व सैनिकों को सम्मान करें, लेकिन आपकी भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति के कार्यक्रमों में कुछ का यहाँ पे सम्मानित किया गया है, लेकिन वो एक सिंबॉलिक सम्मान है। हर व्यक्ति के मन के प्रति आप, हर सैनिक के प्रति भारतीय जनता पार्टी परिवार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा देश सम्मान का भाव रखता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है, आपके हितों के संवर्धन के लिए हर स्तर पर सहयोग करने को तत्पर रहकर के कार्य करेगी। जय हिंद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन से पहले आपसे अनुरोध है कि अपना मोबाइल आप लोग साइलेंट मोड में रख लें, क्योंकि बार बार घंटी बज रही है तो इससे अपने अतिथियों को कठिनाई हो रही है। अब मैं अपने देश के सबसे बड़ी पार्टी के, पूरे विश्व की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से आग्रह करता हूं कि संबोधित करें